वहीं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के दौरे पर रहेंगे, जहां वो ताउते तूफान प्रभावित इलाकों का हवाई निरीक्षण करेंगे। इसके अलावा पीएम दीव में भी नुकसान का जायजा लेंगे। प्रधानमंत्री आज सुबह लगभग 9:30 बजे दिल्ली से रवाना होंगे और भावनगर पहुंचेंगे, जहां से वो ऊना, दीव, जाफराबाद और महुआ का हवाई सर्वे करेंगे। बाद में प्रधानमंत्री अहमदाबाद में एक समीक्षा बैठक करेंगे। गुजरात के सीएम विजय रूपाणी के मुताबिक ताउते तूफान की तबाही काफी है, पूरे गुजरात में 13 लोगों की जान गई है, संपत्ति का भी भारी नुकसान हुआ है। गोपी घांगर हमारी संवाददाता और जानकारी के साथ जुड़ गई है। गोपी, जो प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है, लगभग अधिकांश कार्यक्रम हवाई सर्वे का है, लेकिन इसके साथ ही सीएम से भी मुलाकात का कार्यक्रम है क्या? और दूसरा सवाल आपसे ये कि डिजास्टर मैनेजमेंट टीम्स क्या आकलन कर रही हैं? कौन कौन से वो इंटीरियर्स और शहरी इलाके हैं जहां पर नुकसान पहुंचा है? कितने करोड़ की संपत्ति का लगभग आकलन हुआ है जो पूरी तरीके से तबाह हो चुकी है? बिल्कुल नेहा, आपको बता दूं कि चक्रवात ताउते जहां से भी गुजरा है वहां पे तबाही करता गया है। और खास करके जो बात की जाए, अगर ग्रामीण इलाकों की, समुद्र किनारों की बात की जाए, तो अमरेली, भावनगर के महुआ में और गिर सोमनाथ के ऊना में सबसे ज्यादा तबाही, और दीव में ये जो चार शहर है जहां सबसे ज्यादा तबाही का मंजर हमें देखने मिला। हम खुद वहां पे गए थे, सारे पेड़ वहां पे उखड़ गए, और माना जा रहा है कि 60,000 से ज्यादा पेड़ जो है वो इस चक्रवात में गिर गए। यहाँ तक कि अहमदाबाद में भी जब साइक्लोन पहुंचा था, अहमदाबाद में भी भारी नुकसान इस साइक्लोन की वजह से हुआ है। तो जहां जहां साइक्लोन गया है वहां पे तबाही उसने मचाई है। आज खुद प्रधानमंत्री यहाँ पहुंचेंगे, सुबह भावनगर में 11 बजे प्रधानमंत्री लैंड करेंगे, उसके बाद वहां से वो हवाई निरीक्षण करेंगे, वो जाफराबाद, महुआ, गिर सोमनाथ के जो ऊना है वहां और दीव, ये चार शहरों का हवाई निरीक्षण करने के बाद अहमदाबाद पहुंचेंगे। अहमदाबाद में मुख्यमंत्री, डेप्टी सीएम और जो गुजरात के आला अधिकारी है उनके साथ एक रिव्यू मीटिंग करेंगे। रिव्यू मीटिंग में कितना नुकसान है उसके ऊपर भी बातचीत होगी, और हो सकता है कि प्रधानमंत्री एक रिलीफ पैकेज की भी घोषणा करें गुजरात के लिए।